नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अनदर ब्लॉग में। मैं हूँ आपकी दोस्त अनुप्रिया और बहुत दिनों बाद ब्लॉगिंग जो है वो स्टार्ट की है मैंने। बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया है। तो आज बेसिकली मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं किस तरीके से अपनी बेटी के जो है कपड़े ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। तो एक्चुअली अगर घर में छोटे बच्चे आ जाते हैं ना, तो स्टोरेज अगर हम पहले से ऑर्गेनाइज़ करके नहीं रखते हैं, या आप रेंट पे रहते हैं तो ये रेंटर फ्रेंडली कह सकते हैं, या आप थोड़े टाइम के लिए कहीं रह रहे हैं और उसके बाद आपको अपने परमानेंट प्लेस पे जाना है, तो भी आप इस तरीके से बिना वार्डरोब के कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। और ये डिटैचेबल है, जहाँ आप जाएंगे आप वहाँ इसे लेकर जा सकते हैं, या फिर आप बंद करके रख सकते हैं, जब वापस आएँ तो आप रख सक मतलब दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। और ये अलग तरीके से यूज़ हो सकता है, बहुत ही मल्टीपर्पज़ तरीका है। तो ये ब्लॉग जो है ये बेसिकली मैं स्पेशली स्टोरेज को डेडिकेट करना चाहती हूँ, क्योंकि चैनल स्पेशली स्टोरेज का है और अभी बेटी है। तो बेटी के साथ मुझे यही आइडिया आया कि मैं किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। अगर ये प्रॉब्लम मैं फेस कर रही हूँ तो और भी बहुत सारे लोग फेस कर रहे होंगे, तो मैं आप लोगों के साथ इसे शेयर करना चाहती थी बहुत टाइम से, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला। अराउंड मुझे अभी मेरी बेटी जो है वो बड़ी भी हो चुकी है थोड़ी, तो मतलब आप इस तरीके से सामान काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ कर लेंगे और कम स्पेस में कर लेंगे। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, जब बच्चे आते हैं और स्टोरेज नहीं होता ना, तो कमरा बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ रहता है। तो अगर आप इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रखेंगे तो आपका काफ़ी ज़्यादा सामान एक ही जगह पर रहेगा, ज़्यादा आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा और आपको ज़्यादा वार्डरोब्स वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो काफ़ी ईजी हो जाता है, रेंटल फ्रेंडली है और डिटैचेबल है, तो आराम से आप कभी भी इसे निकाल सकते हैं, कभी भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी अपने होम टाउन में हूँ तो मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, जब मैं वापस मतलब जब मैं वहाँ जाऊँगी तो मैं इसे निकाल कर डिटैच करके रख जाऊँगी, और अगेन जब वापस आऊँगी तो दोबारा से री इंस्टॉल करके रूम में हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से किसी को प्रॉब्लम भी नहीं होती है और आप सामान भी अच्छे से कर सकते हैं। और अगर आप रेंट पे एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं तो डिटैचेबल सामान जो है वो ईजिली यूज़ हो जाता है, तो ऑर्गेनाइज़ करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। और थोड़ा सा एक मतलब रियलिस्टिक चीज़ें दिखाऊंगी जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। मिडिल क्लास हो, अपर मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो, हर कोई अफोर्ड कर सकता है। तो चलिए, आप इसे गिफ्ट भी कर सकते हैं, अगर किसी का बेबी होने वाला है तो उनकी हेल्प हो जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे मैंने अपने घर को ऑर्गेनाइज़ किया है। पहला ऑर्गेनाइज़र है ये अलमीरा, ये इस तरीके की अलमीरा है। इसके नीचे आपको व्हील्स मिल जाते हैं जिससे आप इसे रोटेट कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, और ये रिमूवेबल है, डिटैचेबल है, आप कभी भी इसे निकाल के रख सकते हैं। इसके ऊपर भी एक आपको सेक्शन मिल जाता है जिसके अंदर आप अपना डायपर स्टेशन बना सकते हैं और भी काफ़ी सारा सामान रख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ये डायपर स्टेशन बना कर रखा हुआ है, थोड़ा बेस्टअप है तो इसको इग्नोर करना है। इसमें काफ़ी सारे और डिज़ाइंस आपको मिल जाएंगे, तो यहाँ पे ब्लू है, पिंक है, काफ़ी सारे और कलर्स हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको सेक्शन की बात बताऊँ तो यहाँ पर आपको दो से तीन पार्टीशंस मिल जाते हैं जो मैं यूटिलाइज़ नहीं कर रही, ऑब्वियसली आप अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पॉकेट्स हैं दोनों साइड पे, तो आप यहाँ पर दो से तीन पॉकेट्स हैं तो इन्हें भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और ये इस तरीके की बहुत ही अच्छी क्वालिटी की चेन के साथ आते हैं, तो आप आराम से इसे ओपन कर सकते हैं। और कुछ इस तरीके से इसकी अलमीरा है। मुझे सिर्फ एक चीज़ अच्छी नहीं लगी, जब हम इसे ओपन करते हैं ना तो यहाँ से थोड़ा सा ये मेस्ड अप हो जाता है, सामान निकालना और रखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर मैंने सारे कपड़े रखे हुए हैं, थोड़ी सी सॉक्स रखी हुई हैं जो डे टू डे लाइफ में यूज़ होती हैं। यहाँ पर सारे जो है ड्राई शीट्स हैं और ये नॉर्मल शीट्स हैं। यहाँ पर सारी ऊपर डालने वाली शीट्स हैं और ये जो है मसाजिंग, जो मसाज के लिए यूज़ होते हैं क्लोथ वो है। नीचे एक्स्ट्रा स्टफ़ जैसे एक्स्ट्रा डायपर और एक्स्ट्रा क्लोथ्स एंड एक्स्ट्रा ड्राई शीट्स हैं, और नीचे की तरफ डायपर बैग एंड बाकी सब चीज़ें मैंने रखी हुई हैं। तो ये इस तरीके से है, तो आप इसे हटा भी सकते हैं और रिमूव करके आप कर सकते हैं। काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी सारा सामान आता है इसमें। फोर लेयर भी है, फाइव लेयर भी है, सिक्स लेयर भी है। मेरे पास जो है वो फाइव लेयर वाला है, आप चाहें तो सिक्स लेयर वाला भी इसमें ले सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, कॉम्पैक्ट है, ओवरऑल पड़ा हुआ भी ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है और काफ़ी अच्छा लगता है। एक तो सबसे अच्छी बात मुझे इसकी व्हील्स लगती हैं कि इधर से उधर हो जाता है, और इस तरीके की रॉड्स के साथ ही आता है, मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके की शेल्फ के साथ ही आता है और यहाँ पर आप जो है इन्हें रॉड्स की तरह लगा सकते हैं, जैसे हम नॉर्मली एक कंटेनर
ये काफ़ी कॉम्पैक्ट है और काफ़ी कलरफुल भी है, काफ़ी अच्छा भी लगता है। इसके साथ साथ सेकंड जो है, आप इस तरीके की ड्रॉर शेल्फ ले सकते हैं। ये तो बहुत सारे यूट्यूबर्स के पास आपने देखा होगा। ये शेल्फ जो है 5 लेयर है, इसमें भी 3 लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर, 6 लेयर भी आती है। तो ये भी काफ़ी कॉम्पैक्ट है, इसके अंदर आप काफ़ी सारा सामान यूज़ कर सकते हो। तो बच्चे के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो, खुद के लिए भी यूज़ कर सकते हो। मैंने इसे अपना छोटा मोटा सामान रखने के लिए यूटिलाइज़ किया हुआ है। 1100 के अराउंड आपको ये मिल जाएगा, काफ़ी अफोर्डेबल रेट में है। ये भी डिटैचेबल है, कभी आप रख सकते हैं, कभी हटा सकते हैं, वो आपकी इच्छा है आप इसे किस तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं। जो है वो आप इस तरीके की डिटैचेबल टेबल ले सकते हैं, 799 की मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर की थी, अमेजोन पे भी आपको मिल जाएगी। ये कॉफ़ी टेबल है, इसके अंदर और भी काफ़ी सारे कलर्स हैं। इसको आपको खुद से ऑर्गेनाइज़ करना पड़ेगा। एक टायर वाला भी आता है, एक विदाउट टायर आता है, 2 शेल्फ है। तो नीचे मैंने इस तरीके से सामान रखा हुआ है, और यहाँ पर आप इस तरीके का एक ऑर्गेनाइज़र ले सकते हैं। ये ऑर्गेनाइज़र बेसिकली ये शू ऑर्गेनाइज़र था, लेकिन मैंने इसे इस तरीके से यूटिलाइज़ किया हुआ है। इसके अंदर सारे मैंने पैंटीज़ एंड पजामाज़ और हैंकीज़ और आपकी वेस्ट वगैरह रखी हुई है। तो आप इस तरीके से इन्हें भी यूज़ कर सकते हैं एज अ ऑर्गेनाइज़र। ये काफ़ी कॉम्पैक्ट है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, और इस टेबल के ऊपर आप बाकी सारा सामान भी ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल पे ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, जितना भी मेरा डेली यूज़ का सामान है वो किया हुआ है, और ये एक्स्ट्रा फार्मूला मिल्क मैंने रखा हुआ है। ये फार्मूला मिल्क जो है, इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊँगी कि आपको किस तरीके से इसे बनाना चाहिए, देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, कैसा है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ये सब मैं अलग से वीडियो करूँगी। तो अब इस तरीके से स्पेशियस चीज़ों के अंदर, कम चीज़ों के अंदर आप इस तरीके से स्टोरेज करके जो है रूम को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और ये रेंटल फ्रेंडली है। तो ये वाला सामान आप चाहें तो पूरा का पूरा इस टेबल पे भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके के छोटे मोटे ऑर्गेनाइजर्स आप ले सकते हैं, अगर आपके पास स्टोरेज कम है तो आप इनमें स्टोरेज कर सकते हैं, नहीं तो इस तरीके के स्टोरेज बैग बेड्स जो होते हैं वो आते हैं। तो आप इनके अंदर भी काफ़ी हद तक सामान जो है वो रख सकते हैं। तो बच्चों का सामान इसमें भी आप काफ़ी अच्छे से स्टोर कर सकते हैं। अगर आपके पास अलमीराज वगैरह नहीं है तो इस तरीके के बेड्स पे आप ऑर्गेनाइज़ कीजिए, इस तरीके के बेड्स पे आप इन्वेस्ट कीजिए। तो ये कुछ ऑर्गेनाइजर्स थे जो मुझे आप लोगों को दिखाने थे। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। और अभी वीडियो के एंड, मतलब आपके वीडियो के बीच में, मैं आपको अपनी बेटी भी दिखा देती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ।